अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान फ्रॉम विरासत.com, विरासत रियल एस्टेट। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा यूनिक टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और इसमें हम बात करेंगे रूरल इनक्लेव के एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और जनरल ब्लॉक में क्या चीज़ें कंपैरिजन हैं, क्या एडवांटेज हैं, पहले किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसके क्या एडवांटेज होंगे और पहले रिटर्न किसका मिलेगा और किन लोगों ने कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रूरल इनक्लेव में और उनको उसके क्या रिटर्न्स मिले, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे इस मुकम्मल वीडियो में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल ब्लॉक की। जनरल ब्लॉक के अंदर जो है हमारा, आपको पता है कि ए ब्लॉक, सी ब्लॉक और जी ब्लॉक आते हैं और अभी न्यूली इन्होंने जो ब्लॉक लॉन्च किया है और वो है एच ब्लॉक। अब इसमें बेसिकली ना थोड़ी सी चीज़ें हैं जो मैं आपको डिटेल के साथ अपडेट करना चाहता हूँ कि ए ब्लॉक जो है वो 40% डाउन पेमेंट के साथ था और इसके मेन बुलेवर्ड पर जो 250 फीट का मेन बुलेवर्ड है इस पर एक कनाल के कमर्शियल ब्लॉक थे और इसकी बैक साइड पर जो थे वो यानी कि 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट थे। इसके बाद हम मूव करेंगे सी ब्लॉक की तरफ। सी ब्लॉक में हमने 5 मरला भी देखा, इसमें 10 मरला और 7 मरला के प्लॉट देखे और फिर जी ब्लॉक की तरफ मूव करें। जी ब्लॉक के अंदर भी 5 मरला, 10 मरला और एक कनाल के प्लॉट थे, जबकि इन तमाम ब्लॉक्स के अंदर जो 5 मरला के प्लॉट की तादाद थी वो आपको पता है कि हर सोसाइटी के अंदर, हर ब्लॉक के अंदर उसकी जो क्वांटिटी होती है, तादाद होती है, वो ज़्यादा होती है क्योंकि उसके यूज़र्स ज़्यादा होते हैं और लोग उसको यही कहते हैं कि ये कैश का प्रोडक्ट है। तो रूरल इनक्लेव में भी सेम ऐसी था कि जो जनरल ब्लॉक था ये इसमें कैश का प्रोडक्ट ही समझा जाता है अभी तक भी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कमर्शियल्स की। अगर इन तमाम सिनेरियो को देखें कि सबसे पहले प्रॉफिट किस पर स्टार्ट होता है, जनरल ब्लॉक में सबसे पहले प्रॉफिट स्टार्ट होता है और जनरल ब्लॉक के अंदर जो है 4 मरला कमर्शियल और 8 मरला कमर्शियल है और 4 मरला कमर्शियल जो है वो 22 लाख का था, 4,40,000 उसकी डाउन पेमेंट थी और बाकी आपने उसको यानी कि अमाउंट को 4 साल में कंप्लीट करना था। जिन लोगों ने आज से एक यानी कि 2 से 3 क्वार्टरली पहले उसको परचेज़ किया और उसमें 4,40,000 के साथ डाउन पेमेंट जमा करवाई और आज वो बहुत अच्छा रिटर्न ले रहे हैं, वो रिटर्न जो है वो उनको 5,50,000 से 6,50,000 तक रिटर्न मिल रहा है। और इसी तरह अगर हम कमर्शियल्स की बात करें 8 मरला की, तो 8 मरला की कमर्शियल्स में जो है वो 35 लाख के साथ डाउन पेमेंट थी, और सॉरी 35 लाख उसकी टोटल अमाउंट थी और उसकी जो डाउन पेमेंट थी वो 7 लाख थी और उसमें यानी कि ना हर किसी ने देखा कि जिन लोगों ने उसको आज से 2 से 3 क्वार्टरली पहले परचेज किया था तो उसमें उन्होंने एक अच्छा रिटर्न लिया और वो रिटर्न 12 से 13 लाख तक मूव हो रहा है। ठीक है, अच्छे प्लॉट की लोकेशन 13 से 14 लाख तक भी जा रही है। तो ये हम बात कर रहे थे जनरल ब्लॉक की। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की। देखिए, हर सोसाइटी में एक टाइम फ्रेम होता है कि उस टाइम फ्रेम के मुताबिक जो है आप अपनी वर्किंग किस एरिया में ज़्यादा करनी है, सेल्स किसकी ज़्यादा हो रही हैं, बेनिफिट किस में मिलेंगे, वो यानी कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। पूरा हर टाइम एक ही सिनेरियो नहीं रहता हर सोसाइटी में। अब जो है इस टाइम वो एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का टाइम है और सोसाइटी का जो सारा फोकस है अदर ब्लॉक्स के ऊपर भी है। ठीक है, इसलिए तो वो प्रॉफिट के अंदर हैं। लेकिन एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है, मैंने अगेन जिस तरह पहले आपको बताया कि अगेन आपको अपडेट कर रहा हूँ कि सिनेरियो चेंज होता है, चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, लोगों को समझ आती है कि वहाँ 30 फिट का रोड था, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो आया है ये 40, 50, 60 फिट रोड के ऊपर आए हैं, यहाँ वहाँ पर जो 5 मरला, जो 10 मरला था या एक कनाल था वो 30 फिट रोड के ऊपर थे, यहाँ पर 60 फिट रोड के ऊपर जो है वो यानी कि ना बड़े प्लॉट्स हैं। कमर्शियल्स की बात करें या मेन बुलेवर्ड की बात करें तो मेन बुलेवर्ड वहाँ पर 200 फिट का था, यहाँ 250 फिट का मेन बुलेवर्ड है। तो अगर खसाला डैम की और जावा डैम के डिफरेंस की बात करें तो पूरे ब्लॉक जनरल ब्लॉक को यानी ब्लॉक ए, सी, जी, बी और इसके अलावा डैम ब्लॉक, उसमें ब्लॉक डी आता है डैम के पास, फार्म हाउसेस का ब्लॉक ई आता है, तो उन सबको एक ही डैम टच करता था, वो था खसाला डैम, जबकि जावा डैम जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ब्लॉक को टच कर रहा है। पूरी सोसाइटी के अंदर 2 लेक व्यू यानी कि ना पार्क कह लें आप, या यानी कि ना आप उसको इनके थीम पार्क के साथ अटैच कर लें, तो वो सिर्फ एग्जैक्ट जनरल ब्लॉक में फार्म हाउसेस के साथ थे।
जबकि यहाँ पर अलग इसको यानी कि ना अपडेट किया गया है। और अब यानी कि ना एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में ये टाइम है कि आप इस टाइम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की तरफ इन्वेस्टमेंट करें, और इसके मुकाबले में अगर देखें तो इस टाइम एच ब्लॉक अवेलेबल है हमारे पास। इन दोनों की इस टाइम बुकिंग जा रही है, आप विरासत रियल इस्टेट से ये बुकिंग करवा सकते हैं। और इसकी इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि देखें टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं हम आपको अपडेट कर रहे हैं वीडियोस के ऊपर, हम आपको यानी कि ना वीडियोस के ऊपर जितना हो सकता है आप कोशिश करते हैं कि आपको सोसाइटी के मुतालिक इंफॉर्मेशन दें, लेकिन अगर आप इंडिविजुअल हमसे रब्ता करते हैं तो मज़ीद हम आपको जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल इंक्लेव में वो भी अपडेट करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक में विरासत.com के नाम से जो पेज है उसको लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर जो हमारा ये पेज है उसको फॉलो करें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे रूरल इंक्लेव की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।